इसराइल हमास जंग से पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। अपने हमलों से इसराइल ने गाजा में तबाही मचा दी है। इसके साथ हमास के लड़ाके भी हर फ्रंट पर इजरायली सेना का मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच इसराइल ने ईरान में मौजूद हमास चीफ को ढेर किया। एक मिसाइल हमले के जरिए हमास चीफ हानिया को मारा गया। हमास चीफ की मौत से खलबली है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के खुफिया एजेंट्स के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद और CIA ने हानिया की लोकेशन दी। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस हत्याकांड में बम का इस्तेमाल हुआ है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में बताया गया, मोसाद ने ईरानी सुरक्षा एजेंटों को एक इमारत में 3 अलग अलग कमरों में विस्फोटक लगाने के लिए काम पर रखा था, जहां हानिया ठहरा हुआ था। ईरानी एजेंट ने तेहरान में स्थित इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC के गेस्ट हाउस के 3 कमरों में बम रखे। हानिया अक्सर यहां ठहरता था। इसके बाद ये सभी ईरान से चले गए और रात करीब 2 बजे रिमोट के जरिए बम में धमाका कर दिया गया। IRGC ने द टेलीग्राफ को बताया कि मोसाद ने अंसार अल महदी सुरक्षा इकाई के एजेंटों को काम पर रखा था। इस केस में जांच करने पर उन्हें 2 अन्य कमरों में विस्फोटक उपकरण भी मिले थे। एजेंटों को चोरी छिपे घूमते हुए देखा गया और वे मिनटों के भीतर कई कमरों में घुसे और निकले। टेलीग्राफ को IRGC के अधिकारियों ने बताया कि हानिया को मारने की मूल योजना तब बनाई गई थी जब वे ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। तब इमारत के अंदर भीड़ ज्यादा थी, जिसके चलते ऑपरेशन के सफल होने की संभावना नहीं थी। इस वजह से ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया था। हमास चीफ की मौत के लिए ईरान सीधे तौर पर इसराइल को जिम्मेदार मान रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने मौत का बदला लेने की कसम खाई है। इस केस में ईरान पर भी शक की सुई जा रही है। हानिया तेहरान के जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरानी सेना के पास थी।